दोस्तों फोर्ड के लाइनअप में एंडेवर के अलावा कुछ ऐसी तगड़ी कार्स आती है जो इंडिया में फोर्ड की रीएंट्री को चार चांद लगा सकती है, जिसमें सबसे पहले है फोर्ड ब्रोंको जो इंटरनेशनल मार्केट में 17 लाख के प्राइस में आती है, जो अगर इंडिया में आ गई तो थार और जीप रैंगलर का पत्ता साफ कर सकती है। इस गाड़ी के बेस वेरियंट में हमें 2.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो इस प्राइस रेंज में कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती। साथ ही इसमें हमें 7-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डिफरेंशियल लॉक्स भी दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप काफी तगड़ी ऑफ रोडिंग कर सकते हो। लुक्स के मामले में ये गाड़ी इंडियंस को काफी पसंद आने वाली है, जिसमें गाड़ी के फ्रंट में हमें एलईडी सर्कुलर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, साथ ही ग्रिल पर ब्रोंको की बोर्ड बैचिंग मिलेगी जो काफी कूल दिखाई देती है। साथ ही साइड में आपको 34 इंच के टायर्स मिलते हैं जो मोटे टायर्स पसंद करने वाले इंडियंस को डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। दूसरी है फोर्ड मैवरिक जो इंटरनेशनल मार्केट में 24 लाख के प्राइस में आती है, जो अगर इंडिया में आ गई तो टोयोटा हाइलक्स और इसुजु पिकअप्स को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकती है। इसमें हमें 2.0 लीटर इको बूस्ट और 2.5 लीटर हाइब्रिड इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है जो 8-स्पीड ऑटोमेटिक और सीवीटी ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ऑफर किया गया है। लुक्स की बात करें तो अगर आपको फोर्ड एंडेवर पसंद आती है तो आपको मैवरिक भी डेफिनेटली पसंद आने वाली है, क्योंकि इसका फ्रंट लुक एंडेवर से रिजेंबल करता है। हमें इसमें एंडेवर से इंस्पायर्ड बड़ा सा एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। बड़ी सी मस्कुलर ग्रिल मिलती है जो सेंटर में फोर्ड की बैजिंग के साथ काफी कूल दिखाई देती है। पीछे इसमें हमें 55 इंच का बेड मिलता है जो 1500 पाउंड का वेट कैरी कर सकता है। तीसरी गाड़ी है फोर्ड की रैप्टर जो पिकअप ट्रक के साथ एक तगड़ी ऑफ रोडर भी है। इसमें हमें 240 mm का तगड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, साथ ही 35 इंच के मोटे ऑल टेरेन टायर्स मिलते हैं जो मिट्टी पानी स्नो कहीं से भी इस गाड़ी को निकाल सकते हैं। इसमें हमें 5.2 लीटर सुपर चार्ज V8 इंजन मिलता है जो 720 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। गाड़ी का लुक काफी तगड़ा, ये गाड़ी हर एंगल से मस्कुलर दिखाई देती है, जिसमें फ्रंट में हमें काफी बड़ा एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही बड़ी सी ग्रिल मिलती है फोर्ड की बैजिंग के साथ जो काफी बैडएस दिखाई देती है। पीछे इसमें हमें 67 इंच का बेड मिलता है जो 3000 पाउंड का वेट कैरी कर सकता है, जो कि एक पिकअप ट्रक के हिसाब से काफी ज्यादा है। कमेंट्स में हमें बताएं फोर्ड को इनमें से कौन सी गाड़ी डेफिनेटली इंडिया में लॉन्च करनी चाहिए, और ऐसी कार्स रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू क्यूरियस कार इंडिया।